ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स, मैं सुमित कुमार सिंह, आप तमाम यूपीएससी एस्पिरेंट्स या अन्य कोई कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का इस मगध पुत्र ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल में अभिनंदन करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2021 का जो है जनरल स्टडीज पेपर 2 का सिलेबस देखेंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि सिविल सर्विसेज का जो है नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जा चुका है और अभी कह सकते हैं कि लगभग 712 वैकेंसीज जो हैं वो आए हैं और इसका ऑनलाइन फॉर्म जो है वो कह सकते हैं कि एप्लीकेशन भरा जा रहा है। तो इसी के मध्य में हम लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज जनरल स्टडीज पेपर 2 का जो है डिटेल सिलेबस पे एक छोटा सा शॉर्ट एंड स्वीट समरी एनालिसिस और विश्लेषण करेंगे कि किन किन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कह सकते हैं इंपॉर्टेंट एरियाज से क्वेश्चन आते हैं। जीएस पेपर 2, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज में 4 जो है जीएस जीके का पेपर होते हैं, सामान्य अध्ययन का 4 पेपर होते हैं 250 नंबर का। तो पहला पेपर का ऑलरेडी हम लोगों ने वीडियो का जो सिलेबस का वीडियो है वो हम लोगों ने अपलोड कर चुका है और इस बार जो है ये जो है हम लोग जीएस पेपर 2 का देखेंगे, सामान्य अध्ययन पेपर 2 का डिटेल्ड सिलेबस। आइए प्रारंभ करते हैं। तो पहले ओवरऑल जो हम लोग देखेंगे कि ओवरऑल जो है जनरल स्टडीज पेपर 2 में क्या क्या पूछे जाते हैं। तो सामान्य अध्ययन पेपर 2, तो इसमें पूछा जाता है गवर्नेंस से, ठीक है जी, फिर कॉन्स्टिट्यूशन से, पॉलिटी से, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है जी। तो इन जो है प्रमुख 5 पॉइंट को लेकर ही आगे हम लोग इलाबोरेट जो है सिलेबस देखेंगे कि जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन पेपर 2 में, जीएस पेपर 2 में जो है वो किन किन जो है इंपॉर्टेंट एरिया से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सिलेबस क्या है, डिटेल्ड सिलेबस क्या है। अब आ जाते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपाइनिंग, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट्स, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर्स। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो भारतीय संविधान है उसके हिस्टोरिकल अंडरपाइनिंग्स वो किस प्रकार से इवॉल्व हुए, जैसे भारत में कह सकते हैं कॉलोनियलिज्म के दौर से ही जो हमारा कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बनना प्रारंभ हो गया और बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आईपीसी के धाराज आर्टिकल्स जो है वो बहुत पुराने हैं और किस प्रकार से धीरे धीरे हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान है वो इवॉल्व होता है, इमर्ज होता है और अभी भी इमर्ज हो रहा है, अभी भी इवॉल्व हो रहा है अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है जी। आगे सिग्निफिकेंट प्रोविजंस, इसके क्या क्या महत्वपूर्ण प्रोविजंस और बेसिक स्ट्रक्चर्स, जो मूलभूत स्ट्रक्चर और ढांचा जो संविधान का है वो क्या है, इन सब एरिया से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या क्या कार्य हैं और दायित्व है ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स, इश्यूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर, जो संघवाद है उस पर क्या क्या कह सकते हैं, उसके स्ट्रक्चर पे क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं। डेवोल्यूशन ऑफ पावर एंड फाइनेंसेस अप टू लोकल लेवल्स, जो हमारा 3 tier का गवर्नमेंट है, पहला हो गया सेंटर, दूसरा हो गया मतलब सेंटर को यूनियन गवर्नमेंट भी कहा जाता है, दूसरा हो गया स्टेट गवर्नमेंट और जो 3rd tier है वो है एट द लोएस्ट लेवल जिसको कहते हैं लोकल बॉडीज, म्यूनिसिपालिटी और ग्राम पंचायत वगैरह, मुखिया वगैरह का इलेक्शन। तो पावर एंड फाइनेंसेस, क्या क्या उसके कह सकते हैं फाइनेंसेस चैलेंजेस हैं लोकल बॉडीज के। आगे सेपरेशन ऑफ द पावर, सेपरेशन ऑफ द पावर 3 ऑर्गन जानते हैं, पहला ऑर्गन है हमारा इसे पार्लियामेंट को कह सकते हैं, लेजिस्लेटिव कह सकते हैं, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव बॉडी जो है हमारा पहला ऑर्गन है, दूसरा है जो न्याय वगैरह सुनाते हैं तो जुडिशियरी, ठीक है जी, और तीसरा है हमारा कह सकते हैं एक्सिक्यूटिव, जो लॉ को इंप्लीमेंट वगैरह करते हैं। तो पहले जो लॉ बनाते हैं पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव बॉडी, दूसरा है जो न्याय व्यवस्था को बरकरार रखते हैं, तीसरा है जो लॉ को इंप्लीमेंट करते हैं। तो सेपरेशन ऑफ पावर, इन तीनों के बीच में कैसे कैसे सेपरेशन ऑफ पावर है, किन किन शक्तियां किन जो है बांटा गया है, बिटवीन द ऑर्गन्स, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म क्या क्या है और इंस्टीट्यूशंस। आगे है कंपैरिजन, कंपैरिजन मतलब तुलनात्मक ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम्स विद दैट ऑफ द अदर कंट्रीज, भारत के संविधान के जितने भी स्कीम्स है या फिर जो भी चीजें भारत के संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल जो भी प्रोविजन है उसकी जो है तुलनात्मक जो है कह सकते हैं कि अदर कंट्री से अध्ययन करके इसमें कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे है पार्लियामेंट से, संविधान से प्रश्न पूछे जाते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर से, विधानसभा से, स्ट्रक्चर्स उसके क्या स्ट्रक्चर्स हैं, क्या क्या फंक्शनिंग है, कंडक्ट ऑफ बिजनेसेस क्या क्या है, उसके पावर्स क्या क्या है मतलब उसमें शक्तियां कितने निहित है, और प्रिविलेजेस और इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ दिस, ठीक है जी। आगे है स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द एक्सिक्यूटिव और जुडिशरी। देखिए हम लोग पहले ने
इसमें लेजिस्लेटिव बॉडी का पावर देखा, ठीक है जी, पार्लियामेंट मतलब लेजिस्लेटिव जो कि कानून बनाती है। अब इसके आगे हम लोग देख रहे हैं किसके, द एक्सिक्यूटिव बॉडी, एक्सिक्यूटिव जो नियम को पालन करवाती है, और द जुडिशियरी जो न्यायपालिका है, और मिनिस्ट्रीज जो जितने भी मिनिस्ट्रीज वगैरह है, डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, प्रेशर ग्रुप्स दबाव समूह, और फॉर्मल और इनफॉर्मल एसोसिएशन हो गए, दे रोल इन द पॉलिटी, प्रेशर ग्रुप हो गए, इंटरेस्ट ग्रुप हो गए, इसके क्या क्या रोल्स हैं, क्या क्या योगदान है भारतीय राजनीति में या फिर ओवरऑल पॉलिटिक्स में या पॉलिटी में, उनके क्या क्या योगदान है, किस प्रकार से प्रेशर बना के किस प्रकार से मूवमेंट क्रिएट करके अपनी बातों को अपने अपने समूह अपने कम्युनिटी और अपने कह सकते हैं कि दबाव समूह बनाकर जो है अपने ग्रुप्स का बात मनवाते हैं या बात रखते हैं। आगे साइलेंट फ्यूचर ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, आगे अपॉइंटमेंट ऑफ टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, अटॉर्नी जनरल्स ऑफ इंडिया हो गया, मतलब जितने भी बड़े बड़े पोस्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशनल जो संवैधानिक पद हैं उनके कह सकते हैं उनकी किस प्रकार से अपॉइंटमेंट होती है, नियुक्ति होती है, जैसे CJI हो गया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनकी नियुक्ति कैसे हो गई होती है, तो इन सब चीज़ों में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, UPSC के कह सकते हैं चेयरमैन हो गए, और जितने भी चीज़ हैं बड़े बड़े पदों पे अपॉइंटमेंट, नियुक्ति, उनके शक्तियां, उनके पावर्स, उनके दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है जी। आगे सेचुरेटरी रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वाजी जुडिशियल्स बॉडी, जितने भी वेरियस क्वाजी जुडिशियल्स बॉडी हैं, जैसे ट्रिब्यूनल्स वगैरह हो गया, NGT वगैरह हो गया, ठीक है जी। फिर है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन, गवर्नमेंट के क्या क्या पॉलिसीज हैं, इंटरवेंशंस हैं, डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर एंड इशूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, किस प्रकार से वह जो है गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है और किस प्रकार से विकास के कार्यों में योगदान देती है, और उसमें उसके इम्प्लीमेंटेशन, उसके क्रियान्वयन में क्या क्या चुनौतियां आती हैं, इन सब चीज़ों से प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे डेवलपमेंट प्रोसेस, विकास की जो विधि है, प्रोसेस है, एंड द डेवलपमेंट इंडस्ट्री, ठीक है जी, विकास वाले इंडस्ट्री, उद्योग हो गए, रोल ऑफ एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप, वेरियस ग्रुप्स एंड एसोसिएशन, बहुत सारे समूह वगैरह, फिर डोनर्स, चैरिटीज, इंस्टीट्यूशनल्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स, इसके क्या क्या विकास में योगदान है या राष्ट्र की उन्नति में क्या क्या योगदान है। आगे वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन बाय द सेंटर एंड द स्टेट एंड द परफॉर्मेंस ऑफ दीज स्कीम्स, मैकेनिज्म, लॉ, इंस्टीट्यूशंस, बॉडी कंस्टिट्यूटेड फॉर द प्रोटेक्शन एंड बेटरमेंट ऑफ दीज वल्नरेबल सेक्शंस, जितने भी वल्नरेबल सेक्शंस हैं, जैसे कह सकते हैं कि एजेड पीपल हो गए, 60 से एवब हो गए, वल्नरेबल सेक्शंस में देखिए इन्फेंट चाइल्ड हो गए, नवजात शिशु हो गए, प्रेग्नेंट वुमेन्स हो गए, फिर डिसेबिलिटीज, दिव्यांगजन हो गए, तो जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनके लिए राज्य सरकारों के, केंद्र की सरकारों के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा क्या क्या वेलफेयर स्कीम्स बनाए जा रहे हैं, उनके लाभ के लिए क्या क्या स्कीम्स लॉन्च किए जा रहे हैं, उनके क्या क्या मैकेनिज्म्स हैं, उनके क्या क्या नियम कानून हैं, उनके लिए क्या क्या संस्थाएं हैं, बॉडीज हैं जो उनके उनके उनको प्रोटेक्ट करती है, उनके बेटरमेंट के लिए कह सकते हैं, उनके उत्थान के लिए, उनके कह सकते हैं समृद्धि के लिए, और किस प्रकार से उनके लिए जो है उनके वेलफेयर के लिए कार्य करती है, उन सब चीज़ों से प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे इशूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग टू द हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन, शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित सोशल सेक्टर में क्या क्या जो इशूज हैं और किस प्रकार से गवर्नमेंट इसे टैकल करती है, इसके के लिए गवर्नमेंट क्या क्या कार्य कर रही है। आगे इशूज रिलेटिंग टू पॉवर्टी एंड हंगर, गरीबी उन्मूलन या फिर गरीबी के लिए और भुखमरी के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रही है, इन सब जो मेन पॉइंट हैं इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, गवर्नेंस से ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता एंड अकाउंटेबिलिटी, उत्तरदायित्व, ई गवर्नेंस, अभी भी डिजिटल गवर्नमेंट्स, एप्लीकेशंस, मॉडल्स, सक्सेसेस, लिमिटेशंस, पोटेंशियल, सिटीजन चार्टर्स, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड इंस्टीट्यूशनल एंड अदर मेजर्स, तो ये सब कुछ जो इंपॉर्टेंट बिंदु हैं ये आप देख लेना, क्या क्या कह सकते हैं कि पारदर्शिता, करप्शन फ्री कह सकते हैं, और अकाउंटेबिलिटी मतलब उत्तरदायित्व, ई गवर्नेंस, डिजिटल गवर्नेंस, तो इन सब चीज़ों का क्या क्या लिमिटेशंस हैं, क्या क्या कह सकते हैं कि इसमें सीमाएं हैं, क्या क्या इनके खामियां हैं, या फिर यह कितना सक्सेसफुल है, इसमें कितने संभावनाएं, पोटेंशियल्स हैं, इन सब चीजों के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर रोल ऑफ सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज का क्या रोल है इन डेमोक्रेसी एंड इंडिया इट्स नेबरहुड रिलेशन, भारत और उसके पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध। आगे बायलेटरल, रीजनल, ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग इंडियाज और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट, जितने भी बायलेटरल द्विपक्षीय संबंध हैं या फिर द्विपक्षीय रिश्ते हो गए, ग्लोबल या रीजनल ग्रुपिंग हो गए, जैसे आसियान हो गया,
जैसे सार्क हो गया, ठीक है जी, जैसे और जितने भी कह सकते हैं कि नाटो हो गया, मतलब जो भी है, जितने भी ग्लोबल ग्रुपिंग है, जैसे G20 हो गया, ठीक है जी, G7 हो गया, तो और जितने भी ग्रुपिंग है, उन सब चीजों के बारे में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। ग्लोबल ग्रुपिंग हो गया, रीजनल ग्रुपिंग हो गया, यूएन हो गया, जितने भी ग्रुपिंग है, नॉन अलाइनमेंट वाले मूवमेंट वाले भी ग्रुप में जो भी ग्रुप है, सार्क, बिमस्टेक, OECD, आगे है इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडिया इंटरेस्ट, जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं, जो विकसित राज्य हैं और जो विकासशील राज्य हैं, उसके पॉलिसीज क्या क्या, भारत के डायस्पोरा जो भारत के लोग हैं और भारत के ऊपर क्या उसका प्रभाव पड़ता है, उसके हितों, भारत के हितों के ऊपर उनका क्या प्रभाव पड़ता है उनके पॉलिसीज का। आगे है इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में, आ गया यूएन हो गया, WHO हो गया, WTO हो गया, ठीक है जी, ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस हो गए, तो जितने भी वैश्विक संस्थाएं हैं, ठीक है जी, उनके एजेंसीज, उनके स्ट्रक्चर्स और मैंडेट वगैरह, मतलब उनके मैंडेट क्या क्या कार्य हैं, फंक्शंस हैं, दायित्व हैं, या फिर क्या क्या वो कार्य कर रही हैं, इन सब चीजों के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये हुआ हमारा G2 का सिलेबस। आप देख रहे हैं मगध पुत्र ड्रीम IAS। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और कह सकते हैं अधिक दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ऑल्सो प्रेस दी बेल आइकन भी दबाएं, ताकि जो भी वीडियो मैं UPSC या अन्य कोई कंपिटेटिव एग्जामिनेशन से संबंधित ताकि मैं डालूं तो वह आप तक तुरंत पहुंच सके, आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और कह सकता हूं कि चाहे इस YouTube चैनल में आपको डेली करेंट अफेयर्स वगैरह, शॉर्ट एंड स्वीट और पॉइंट वाइज समरी नोट्स अवेलेबल होते रहेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट होगा करेंट अफेयर्स और कंपिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए। तो ये ड्रीम IAS, किस किस को गाड़ी चढ़ना है, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में अपना अपना नाम लिखें। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे।